नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण महाराज कुछ दिन जेल में ही रहेंगे। उन्हें शुक्रवार शाम जिला अदालत में पेश किया गया और उसके बाद रायपुर जेल भेज दिया गया। जेल में भी कालीचरण महाराज के चेहरे पर किसी तरह का मलाल नहीं दिखा। उल्टे जेल के अंदर जाने से पहले वह चीखे, सारे हिंदू एक हो जाओ। ये सुनते ही पुलिस हरकत में आई और उसे जेल के अंदर कर दिया। बताया जाता है कि कालीचरण महाराज जब जेल के अंदर गए तो सभी से मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर मिले। अपने बैरक में जाने के बाद वह गए शांत होकर बैठ गए। रात को उन्होंने दाल रोटी खाई। उन्होंने यहाँ भी रोज की तरह ध्यान योग किया, जबकि अपने घर वह 2 से 3 घंटे जिम में बिताते हैं। बता दें कि जेल से पहले उन्हें हसौद थाने की पुलिस को निगरानी में दिया गया था। यहाँ भी उन्होंने रोटी दाल जैसा साधारण खाना ही खाया। उन्होंने पुलिस को सभी सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ दिए। बयान के लिए ना क्षमा मांगी और ना ही अफसोस जताया। बता दें कालीचरण महाराज को 1 जनवरी पुलिस कस्टडी में रखा जाना था, लेकिन दिन भर पूछताछ के बाद उसे 31 तारीख को ही कोर्ट में पेश किया गया। कालीचरण की तरफ से भी वकीलों की टीम अदालत पहुंच गई थी। करीब 1.5 घंटे चली बहस के बाद कालीचरण को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उनके बेल की अर्जी 3 जनवरी को लगाई जाएगी। गौरतलब हो कि कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में विवादित बयान दिया था। विवादित बयानों को देखकर उनके खिलाफ पहले धारा 294, 505, 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में राजद्रोह के मामले में 153(a)(1)(a), 153(b)(1)(a), 295(a), 505(1)(b), 124(a) केस दर्ज किया गया। रायपुर में महात्मा गांधी पर खराब टिप्पणी के आरोप में कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। इस बीच इंटरस्टेट प्रोटोकॉल के उल्लंघन का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर आपत्ति दर्ज कराई है। मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार नोटिस भेज कर भी बुला सकती थी, आने से पहले ना सही गिरफ्तारी करने पर मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी तो देती। मिश्रा ने मध्य प्रदेश DGP को छत्तीसगढ़ DGP से पूरे तरीके पर विरोध दर्ज कराने के साथ स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।